विशेषकर काल हम लोग नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान सभी के विघ्नों को, भक्ति के विघ्न सभी विघ्नों को नष्ट करने वाले नरसिंह भगवान की जन्मदिन मनाए। और आज विशेष जो हमारा वृंदावन के जो गोस्वामी मंदिर है, सात सप्त देवालय बताए जाते हैं, इसमें सबसे पहले मदन मोहन जी है, गोविंद जी है, गोपीनाथ जी है, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर। इसमें से हम देखते हैं जो गोस्वामी लोगों को विशेष विग्रह थे, वो विग्रह क्या है, वो जग चले गए। लेकिन जो राधा रमन भगवान है ये छोटे है, वृंदावन में रह गए। तो और जैसे कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यही तीन ठाकुर गौरी प्रसाद, यही तीन चरण बंधो तीन मोरनाथ, जो राधा मदन मोहन जी और राधा गोविंद जी और राधा गोपीनाथ जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते ये तीन ठाकुर के चरण की वंदना कीजिए, ये तीन हमारा नाथ है। तो अभी हम ये तीन तो चले गए, गोविंद जी गोपीनाथ जी जयपुर में है, मदन मोहन जी करली में है, लेकिन ये तीन ठाकुर एक ठाकुर में विराजमान है, श्री श्री राधा रमन लाल लाल में। तो उसमें जो है गोविंद जी मुखमंडल है और राधा रमन के जो वक्षस्थल है ये गोपीनाथ जी जैसे हैं, और राधा रमन मदन मोहन की जो चरण चरण कमल है वो राधा रमन जी के चरण कमल ऐसे हैं। एक्चुअली पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कोई श्री विग्रह नहीं था, इन्होंने गुरु गोस्वामी गोविंद जी की सेवा में, गोपीनाथ जी की सेवा और मदन मोहन के भी ज्यादा ज्यादा गोविंद जी उन्होंने सेवा करते थे और अपने हाथों से सेवा करके वो सभी की कैसे उनकी वक्षस्थल है, कैसे मदन मोहन के चरण कमल है, कैसे गोविंद जी के मुखमंडल है, उनको अच्छा से जानकारी है। इसी प्रकार हम इन तीन ठाकुर के बारे में, ये राधा रमन के बारे में हम लोग सुनेंगे। आज इनका प्रकट दिवस है, तो कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम से इन्होंने प्रकट हुआ। तो इस गोस्वामी है जैसे सनातन की मदन मोहन जी है, रघु गोस्वामी गोविंद जी है, जय गोस्वामी गोपीना है या दामोदर जी है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो है राधा रमन है, और रघुनाथ दास गोस्वामी की गोवर्धन शिला है, और रघुनाथ भट्ट की भागवत भागवत श्रीमद भागवतम है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की ऐसे इष्ट है से गोस्वामी की। तो इस राधा रमन प्रकाट के बारे में हम लोग सुनेंगे कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे एक ही परिवार से आप श्री रूप श्री सनातन और श्री जीव गोस्वामी के परिवार से हैं और बंगाल से, और रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी बंगाल से हैं, और महाप्रभु रघुनाथ भट्ट के पिताजी पहले भेज दिए थे काशी में, ये काशी में जन्म हुआ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और आज जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, ये दक्षिणार्थ प्रदेश में द्रावित श्रीरंग क्षेत्रों में फिल्गोरिया गांव में वेंकट भट्ट नाम के पवित्र वैष्णव, श्री संप्रदाय के वैष्णव, रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे, बड़े शुद्धाचारी और रंगनाथ जी की सेवा में भी नियुक्त थे। इधर इनके जन्म 1500 में हुआ, 1500 ख्रीष्टाब्द में, कोई कोई जगह बताते हैं 1503 में, लेकिन 1500 ख्रीष्टाब्द इनका जन्म हुआ इस बेलगुड़िया गांव में, बिल्कुल श्रीरंगम से बिल्कुल नजदीकी है। तो वेंकट भट्ट
तो बचपन से इनके चाचा जो प्रभुत्व है, ये पहले मायावादी सन्यासी थे प्रबोधानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि गोपाल को भी इस मायावादी में उनको पढ़ाया जाए और उस मायावादी अद्वैत दर्शन में उनको पारंगत किया जाए। लेकिन बचपन से उन्होंने लक्ष्मी नारायण के प्रति इनकी इतने आसक्ति थे, उनको भाव को गोपाल के भाव को परिवर्तन नहीं कर पाया। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए 1510 में, 10 में सन्यास लेके बंगाल से जगन्नाथपुरी गए। बैशाख महीना में दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु निकले। दक्षिण भारत की यात्रा में के दौरान उन्होंने जब श्रीरंग कावीर स्नान करते हुए बड़े पवित्र स्थान श्रीरंगम की श्रीरंगनाथ जी के दर्शन किए, दर्शन करके महाप्रभु श्रीरंगनाथ के दर्शन करके भाव विभोर होकर नित्य कर रहे थे। महाप्रभु एक तो स्वयं भगवान है और ऐसे कोई अद्भुत नित्य कभी नहीं किया, कभी कोई ना देखा ना सुना ना कोई अनुभव किया, ऐसे महाप्रभु का भाव विभोर हुआ। एक तो स्वयं भगवान है, उनके क्या आकर्षण होंगे। तो ऐसे आकर्षण में सभी लोग एकत्रित हो गया, घेरा बना लिया चैतन्य महाप्रभु के पूरा चारों ओर से। फिर जाके जब कुछ समय बाद महाप्रभु का भाव शिथिल हुआ, उन्होंने थोड़ा विश्राम करने लगे, तब वेंकट भट्ट जी महाप्रभु का नमस्कार प्रणाम करके अपने घर पे ले गए। घर पे लेके चरण धो तो कराए, चरणामृत सब लोग पिए और बड़े आदर यत्न के साथ महाप्रभु रुके। फिर दर्शन के लिए आए तो वेंकट भट्ट जी महाप्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु चतुर्मास्य आ गए हैं, आप कहा इधर उधर घूमेंगे आप साधु। एक तो चतुर्मास्य में क्या होता है, साधु लोग पहले के जो साधु लोग होते थे वो यात्रा नहीं करते थे, वो केवल 4 महीना रह के भजन करते थे। तो आप चतुर्मास्य आ गए, आप कहा जाएंगे, इधर ही रुकिए। महाप्रभु ने सोच लिए कि बहुत वैष्णव है, एक के ऊपर भी ज्यादा कोई भार नहीं पड़ेगा, इसलिए महाप्रभु उनके प्रार्थना उनका बिना प्रार्थना से महाप्रभु रुके। और गोपाल हिसाब से 10-11 साल की है, 10 साल से ऊपर थोड़ा, तो ये बड़े भक्ति भाव पूर्ण थे, तो महाप्रभु के चरण सेवा करते थे। महाप्रभु के नियम है पूजन करके महाप्रभु थोड़ा विश्राम करते हैं, इसी समय गोपाल महाप्रभु के चरण सेवा करते थे। बड़े भगवान है, भक्त के घर में जन्म लेना भी केवल जन्म लेने से ही भाग्य खोल जाते हैं उनकी। तो उन्होंने चरण सेवा करते थे और महाप्रभु के प्रति बड़े आकर्षण उनकी हुई। महाप्रभु की इस कथा सुनना, महाप्रभु उनके प्रसाद पान, उनकी चरण सेवा करना, उनके मुख से कथा सुनना, उनके नित्य को दर्शन करना, गोपाल तो आनंद आत्महरा हो गया, जो उनका खोया हुआ धन उनको मिला। इसी प्रकार कुछ दिन महाप्रभु के साथ रहते हुए गोपाल जब चैतन्य महाप्रभु सारी लीलाओं के बारे में सुने गौर हरी, ये तो इसे बाल्य लीला के दर्शन नहीं हो पाया, तो वो बड़े दुखी थे कि जिस गौर देश से मेरा बहुत दूर देश में बहुत दूर मेरा जन्म हुआ, मैं महाप्रभु की इस बाल लीला एवं कौशल लीला जो संकीर्तन नवद्वीप के संकीर्तन लीला, इस लीला को मैंने आस्वादन नहीं कर पाया, मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ था, ऐसे रोते रोते सो गया। जब सो गए तब महाप्रभु नवद्वीप लीला के दर्शन उनको हुआ, जो निमाई गौरंग सुंदर रूप में जो सुंदर महाप्रभु भ्रमण करते थे अपने परिकरों के साथ, जो नवद्वीप में भ्रमण करके कृष्ण कीर्तन आदि प्रचार करते थे, इस गौर लीला का पूरा घंटियों तक दर्शन हुआ। तो जब नींद टूटे तो फिर चले गए, तो उन्होंने बहुत रोया,
महाप्रभु जब इस बात को कहे तो महाप्रभु शांत रहो, इस बात को ज्यादा प्रकाश नहीं करो, और तुम तो देख लिया स्वप्न में ऐसे ही मेरा लीला था। इसी प्रकार बड़े सुख शांति के साथ इनके 4 महीना बीता, लेकिन अच्छी समय जो है बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तो 4 महीना बीत गया और गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट को अपने सख सखा जैसे मानते थे और बहुत ही हास्य मजाक के साथ उनके साथ सत्संग करते थे। और उनका वेंकट भट्ट की मन में एक भ्रम था, तो उनको महाप्रभु ने दूर किया। उनकी ये मन में यही था कि लक्ष्मी नारायण की जो सेवा है उपासना सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा साधना है लक्ष्मी नारायण की सेवा करना, उनके पूजा करना, उनको उपासक होना। तो रामचंद्र भगवान कृष्ण चंद्र में तो जन्म लेते हैं, नारायण को जन्म नहीं लेता, दिव्य रूप में रहते हैं, इसलिए इनकी सेवा बड़े ऊपर। तो महाप्रभु उनको बहुत ही सुंदर ढंग से हर्ष रहस्य के साथ उनको यही समझाया कि कृष्ण भगवान बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सर्वोपरि है, इनके उपासना सर्वोपरि है। जबरदस्त उदाहरण देके उन्होंने समझाया, देखो लक्ष्मी जी स्वयं वैकुंठ को छोड़कर इस कृष्ण लीला, हमारा कृष्ण गोपाल है, गोचारक है, लक्ष्मी जी की भी उनको साथ लीला करने के लिए उनकी मन की इच्छा हुई। और ये भी मैं सुनता हूं कि उनको भाग नहीं मिला इस लीला में भाग नहीं मिला। तो अभी तक उसमें तपस्या कर रही है बेलवन में। तो वो बताते हैं, पते व्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी लक्ष्मी गण चोरी गोपीर मनोरथ मनमथ मनमथ। इसी प्रकार क्या है जो वो उनके वैकुंठ के लक्ष्मी जी को भी वो आकर्षण करते हैं, आकर्षण करके उनको वैकुंठ छोड़कर दासी बनने चाहते हैं। यही भगवान की विशेषता है। और बोलते हैं हमारा कृष्ण हमारा गोपी जो है, लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर कृष्ण संगति चाहते हैं, लेकिन जब स्वयं कृष्ण नारायण बन जाते हैं तब भी गोपी लोगों का आकर्षण नहीं होता है, गोपी लोगों का कोई आकर्षण नहीं है। तो उसमें एक बार ऐसी बन गए तो गोपी लोग आके बोले कि हे नारायण नारायण, हमारा नंद महाराज के पुत्रों तो आपने देखा है क्या? इसलिए महाप्रभु बताया कृष्ण गोप गोपी प्रेयसीता देवी भजन स्त्री कृष्ण ना करे शिकार। तो महाप्रभु समझाते कृष्ण गोप है, गोपी ही उनकी प्रेयसी है, देवी या दूसरा कोई स्त्री भगवान शिकार नहीं करते हैं। यदि किसी को ब्रजलीला में भाग लेना है तो राधा रानी की अनुगत होकर ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, तभी उसको ब्रज में लीला में भगवान उनको पसंद करेंगे, उनके साथ लीला करेंगे, नहीं तो कोई भी हो। इसी प्रकार हम सुनते हैं तो चैतन्य चरितमृत इसमें नहीं बताया, लेकिन प्रेम विलास में बताया। वो प्रबुद्ध को महाप्रभु ने आज्ञा दी कि बहुत अच्छा से गोपाल को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देके पारंगत करना। और चैतन्य चरितमृत रघुनाथ दास गोस्वामी तो महाप्रभु बोला विवाह ना करी, बोले निषेध करेला, लेकिन प्रेम विलास में कहते हैं गोपाल को भी महाप्रभु बोलने से मना किया कि आप शादी नहीं करना, वृद्ध माता पिता जी की सेवा करना, जब इनका अंतर्धान हो जाए तो आप वृंदावन चला जाना। यदि गोपाल के मन में तो यही था कि मैं महाप्रभु के पास नीला चल जाऊं, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा है आप
वृंदावन जाना और श्री रूप और सनातन के चरण में आश्रय लेना। तो महाप्रभु आज्ञा के अनुसार भाग्य क्रम में उन्होंने माता पिता की सेवा किया, भगवान की कृपा से जल्दी वो लोग को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ माता पिता को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वृंदावन आके पहुंचे। जब वृंदावन आके पहुंचे तब रूप सनातन पत्र महाप्रभु एक पत्र लिखे एक व्यक्ति को भेजे कि महाप्रभु को बोलो, उनके संवाद दो कि गोपाल आ गए हैं। पहले महाप्रभु बोल दिए थे कि गोपाल आने वाले हैं, किसी के द्वारा खबर भेजे थे। जब लोग आते थे ब्रज में उनको बजे के गोपाल आने वाले हैं, तो गोपाल आ गया। महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गया और रूप सनातन के बहुत आशीष पत्र उन्होंने पत्र में जवाब दिए, बहुत आशीर्वाद किए। और महाप्रभु कहते हैं कि मैं कंगाल सन्यासी, गोपाल के लिए मैं क्या भेजू। तो मेरा संपद महाप्रभु के गोपिन और एक डोर जो जो पहनते हैं वो कोपिन है, जो बांधते हैं वो डोर है, डोर और कोपिन और एक आसन दे दिए थे, ये महाप्रभु भेज दिए थे, बोला गोपाल के ये दे देना। तो महाप्रभु तो एक व्यक्ति लेकर रूप सनातन को आके दिए, महाप्रभु बहुत खुश हो गया। तो गोपाल तो इस महाप्रभु के द्वारा भेंट किया हुआ वस्तु परे छाती में लिए, बहुत रोए को भिगा दिए कि महाप्रभु हमें ये दिव्य उनके डोर कोपिन उनके आसन प्रदान किए हैं। लेकिन महाप्रभु कोई स्मरण के समय या दीक्षा प्रदान करते समय उस आसन में महाप्रभु जी के आसन है बैठने के लिए बोले थे। तो वो बैठते नहीं थे, रूप गोस्वामी सनातन को समझाते थे कि महाप्रभु बोले हैं बैठने के लिए बैठ। तो स्मरण के समय मां नाम स्मरण के समय कभी कभी बैठते थे। इसी प्रकार वो बार बार बोलते थे कैसे बैठू, महाप्रभु के आसन है, ये तो पूजा करने का लायक है, पूजा करने का वस्तु है। तो ये आसन देकर महाप्रभु ने आचार्य पद में प्रतिष्ठित किया। ये दो व्यक्ति है महाप्रभु चरण सेवा किए, इस गौरिया में दो ही अच्छा दीक्षा गुरु बने। रूप सनातन अति विनम्र थे, यवन की नकड़े किए, इसलिए उन लोग ज्यादा कोई दीक्षा प्रदान नहीं करते थे। ऐसे है कि उनके हरिभक्ति विलास आदि जीव गोस्वामी संदर्भ आदि लेकर वो गोपाल भट्ट के नाम से प्रकाशित किए कि एक अच्छे ब्राह्मण है, संस्कारी ब्राह्मण है इसके लिए। तो इसे ये आसन को देकर इस गौरियों के आचार्य के रूप में इनको अधिष्ठित किए। तब गोपाल इसी प्रकार सेवा करते थे, गोविंद जी की सेवा करते थे, कभी गोपीनाथ की सेवा करते थे, कभी मदन मोहन की सेवा, बड़े प्रेम से। दक्षिण भारत के ब्राह्मण है, बड़े पवित्र के साथ प्रेम से सेवा करते थे, सेवा करते थे। महाप्रभु की आज्ञा है कि आप बंडक में जाना, शालग्राम को लेना, शालग्राम को लेके आना। इसी प्रकार वो और यही हरि को उस शालग्राम में, महाप्रभु के भक्त रत्नाकर में बताते हैं कि इसी शालग्राम में कृष्ण हरि का दर्शन करना। इसी प्रकार उन्होंने महाप्रभु के जब आज्ञा हुई, इसके अनुसार उन्होंने नेपाल की ओर जाने की यात्रा के लिए प्रारंभ किए। नेपाल जाएंगे तब इधर जाते जाते उन्होंने देव बंद में गए, देव बंद सहारनपुर के पास देव बंद है, उसमें एक बड़े धनाढ्य एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बहुत मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए वो जाके उस ब्राह्मण के घर में आश्रय लिए। तो वो ब्राह्मण अपुत्र थे, कोई पुत्र आदि उनको नहीं था, इसलिए उन्होंने याचना किए कि मेरा पुत्र पुत्र संतान आदि मेरा हो जाए। और बोला ठीक है, पुत्र होगा तो मेरे बड़े पुत्र जो होगा मैं आपको
आपकी सेवा के लिए भेज दूंगा। इसी प्रकार उनको बाद में दो पुत्र हुए, गोपीनाथ पुजारी और दामोदर। जो दामोदर है बाद में इस पूजा आदि को सुरक्षा के लिए तो बाहर दे दो, तो उसमें पूजा आदि के लिए जरूरत है तो इस दामोदर गृहस्थ बने। और जो आप लोग गोस्वामी देखते हैं वो उनके परिवार के ही है। इसी प्रकार ऐसे रहकर धीरे धीरे उन्होंने दुर्गम पथ है, शेर आदि बहुत कुछ है, इसी दुर्गम पथ को अतिक्रम करके उन्होंने नेपाल गए, मुक्तिनाथ जी के दर्शन किए। मुक्तिनाथ जी के दर्शन करके उससे भी आगे दामोदर कुंड है जो गंडकी का उद्गम स्थान है। तो उद्गम स्थान है तो यहाँ इतना आसान नहीं है। मुक्तिनाथ से एक दो दिन आप चलेंगे लोग मिलेगा, इसके बाद किसी के साथ में आपको जाना होगा। खुले आकाश में सोना है, एकदम ठंडी है, और कोई अकेला व्यक्ति जाएगा तो वापस नहीं आ सकता है। और ठंडी है, कोई रोड नहीं है, कोई पहचान वाले लोग हुआ तभी आप जा सकते, नहीं तो कहाँ आप चला जाओगे। बर्फ के अंदर में खाना पीना कोई व्यक्ति नहीं है, आप शरीर छोड़ जाएगा। इसी दुर्गम स्थान में गए और जाकर उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान करके जब तर्पण कर रहे थे, एक शलग्राम शिला उनको हाथ में आए, फेंक दिए फिर आए, फेंक दिए फिर आए, तो उसमें दामोदर शिला एक थे और एक कुर्मा आकृति की शिला थे। ये वास्तव में महाप्रभु है, महाप्रभु महाप्रभु कवि भाव विभोर होकर उनके शरीर से और उनके चरण कमल, उनको हस्त कमल सभी अंदर हो जाते थे, कछुआ जैसे कुर्माकृति। कुर्माकृति के भी शालग्राम उनको मिले तो उसी पर 12 शालग्राम, वो नहीं चाहते हुए भी 12 शालग्राम उनको मिले। 12 शालग्राम लेके उन्होंने वृंदावन आए। वृंदावन आकर जो अभी देखते राधा रमन घेरा पीपल के वृक्ष, उधर रहकर कुटिया में और लटका के रखते थे कपड़े में लटका के शालग्राम शिला को रख देते थे सेवा करके। ऐसे ही मैं बहुत खुश से सेवा करते थे शालग्राम की, इनके पास कोई विग्रह नहीं था। तो ऐसे उनकी विग्रह की सेवा करने का उत्कंठा हुई, बहुत ज्यादा उत्कंठा हुई सेवा करने की विग्रह की। तो इसी प्रकार जब उनके मन में उत्कंठा हुई तब उन्होंने इस कि कोई सेठ आए गोस्वामी मंदिर को भी कुछ आभूषण और वस्त्र, ठाकुर जी के लिए वस्त्र दिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी इनको भी वस्त्र दिए, तो वस्त्र प्रदान किया, आभूषण प्रदान किया। उन्होंने कहते हैं किसको मैं पहनाऊं, शालग्राम को कैसे वस्त्र पहनाऊं। तिनके मन में बड़े विग्रह सेवा करने की लालसा थे, तो इसी समय सेवा भी करते थे विग्रह की, गोविंद जी की हमेशा सेवा वगैरह करते थे। इसी समय इनको परे इसी काल के दिन बहुत खेद हुआ था कि शुद्ध भक्तो कृष्ण से ही सत्य करे जे ही मांगे भी तो हितो वांछा पुराने बिना अरो नहीं कृतो। कृष्ण वही सत्य करते हैं जो भीतो दास इच्छा करते हैं, भीतो की इच्छा के पुराण करने के अलावा कोई कार्य भगवान में नहीं है। एक ही कार्य है भगवान की या भक्तों की इच्छा को पूर्ति करना, बस यही उनकी इच्छा है। तो जैसे हम देखते विष्णु, वो बोलता है वस्त्र धारण नहीं करूंगा, विष्णु बोलता है नहीं आपको वस्त्र धारण करके छोड़ूंगा, ठीक है बेटा कर लूंगा। किसी प्रकार जो भक्त चाहते हैं भगवान उसको करते हैं, तब और कार्य नहीं। तीसरे प्रकार उनकी इच्छा हुई, इच्छा होने से वो
बोला कि प्रहलाद महाराज के लिए आप खांबे से प्रकट हो गए, मेरे लिए आप शालग्राम से प्रकट नहीं हो सकते हो। ऐसे बोलकर रात को बहुत शोक मग्न थे, बहुत दुख थे उनके मन में, विग्रह सेवा करने की लालसा और दूसरा तो कोई इच्छा नहीं थे, ठाकुर की सेवा करने की इच्छा भी मन में। तो इसी प्रकार जो है जब ऐसे लटका के रखे थे तो सुबह सुबह स्नान करके जब खोले इस 12 शालग्राम में से जो दामोदर शालग्राम है उस दामोदर शालग्राम से सुंदर अद्भुत सुंदर दिव्य विग्रह आप जो देखते हैं ना, ये कृष्ण है, ये भी ऐसे बहुत सुंदर है कृष्ण। अब हम नजदीक से कभी देखेंगे तो ये इसी साइज के ऐसे रंग के सुंदर राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुआ। देखकर बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, आनंदित आत्महरा हो गया कि साक्षात शालग्राम से हमारा ठाकुर जी प्रकट हुआ। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आमंत्रण किया गया और सभी लोग आए तो रूप गोस्वामी आदि ही इस श्री विग्रह के नामकरण संस्कार किया। आज के दिन सुबह नामकरण की संस्कार किया। तो बोलते हैं 1543 को इस प्रकार की वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख महीना के पूर्णिमा के दिन तो रूप गोस्वामी ने नाम का संस्कार किया श्री राधा रमन लाल। जय श्री राधा रमन के, तो राधा रमन लाल के रूप में प्रकट किए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करके ठाकुर जी से, तो ये तो गोस्वामी हैं जिसके इंद्रियों पूरी तरह से अपने वश में है, वही गोस्वामी हैं। तो गोस्वामी जी दर्शन किए, सेवा किए राधा मदन मोहन जी की, राधा गोविंद जी की, राधा गोपीनाथ की। तो उन्होंने देखा कि कैसे राधा मदन मोहन के चरण कमल है, वो लक्ष्य किया जी बिल्कुल राधा रमन लाल के चरण भी ऐसे सुंदर है, राधा मदन मोहन जैसे। जब वक्षस्थल की ओर नजर गए, देखे साक्षात गोपीनाथ जी के जो वक्षस्थल है ऐसे ही वक्षस्थल राधा रमन की है, और गोविंद जी के जो मुखमंडल है ऐसे ही इनके मुखमंडल है। इसी प्रकार रूप गोस्वामी आकर उनके नामकरण संस्कार किया राधा रमन लाल। विशाल अभिषेक 12 मन दूध से, तब से 43 से, मतलब 478 लगभग हो गया इनकी जन्म तिथि। इतने साल से ऐसे भव्य रूप से उनकी अभिषेक कराते हैं दूध से, विशाल उत्सव होते हैं। इसी प्रकार राधा रमन लाल की सेवा, ये बड़े दक्षिण भारत के ब्राह्मण बड़े पवित्र होते हैं, बड़े पवित्रता मेंटेन करके इनको आप देखेंगे इनकी कितने ऊंचा है इनकी मंदिर। तो इसी प्रकार पवित्रता के साथ उन सेवा को स्थापित किए, राधा रमन जी के सेवा किए। और ये राधारमन लाल ऐसे है भक्ति रत्नाकर में है, सेवा करते करते जब भाव विभोर होकर महाप्रभु को दर्शन करने चाहते थे तो साक्षात इस राधा रमन जी महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन देते थे। ये क्योंकि इसलिए इनके पास राधा रानी भी नहीं है, गौरांग राधा और कृष्ण के मिलित तनु है। तो छोटे उनके लेफ्ट साइड में छोटे एक छतरी रखा हुआ है,
छोटे एक सिंहासन है वही राधारानी मानते हैं यहाँ पे, तो राधा रानी नहीं है। भाव विभो हो जाते थे महाप्रभु के दर्शन की इच्छा से जब हो जाते थे, ये राधा रमन लाल ही उनको महाप्रभु के दर्शन इसमें होते थे। इसी प्रकार जब उन्होंने सेवा करते थे तो एक दिन उन्होंने स्नान करने गए, देख आके देखते हैं कि एक एक लड़का बैठा हुआ है। तो गोस्वामी जी स्नान करके पूछे, तू कहाँ से है, क्या है, तेरा नाम क्या है, कहाँ से है, क्या बात है? बोले मेरे पिताजी मुझे भेज दिया कि मेरे पिताजी बोले थे कि आप गए थे मेरे घर पे, तो हम लोग किसी का जन्म नहीं हुआ था, हमारा पिताजी आपसे बोले थे, तो मैं ही उनका प्रथम पहला पुत्र हूँ, मेरा नाम गोपीनाथ है, तो आपकी सेवा के लिए मुझे पिताजी ने भेज दिया, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। तो इसी प्रकार एक गोपीनाथ पुजारी इनके नाम हुआ जो राधा रमन की सेवा करते, और एक सेवा करते थे हित हरिवंश भी उनके शिष्य के रूप शिष्य थे, लेकिन उन्होंने राधारानी की बीरा पान को खाते थे, पान खाते थे हमेशा राधारानी के पान खाते थे। तो एकादशी के दिन मना किया गोपाल भट्ट गोस्वामी, जानते हैं आप लोग सभी जानते हैं कि गौरी में जैसे हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में पान तो चढ़ता है कोई खाते नहीं है, सेवा और प्रसाद को कोई नहीं पाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने राधारानी के प्रति उनका बहुत प्रेम था, वो पान एकादशी के दिन भी पान खाते थे, पान खा के ठाकुर जी की सेवा करने आते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोला कि नहीं बेटा, ऐसे संभव नहीं है कि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे और पान खाओगे, तो महाप्रभु नहीं चाहते हैं तो आप सेवा नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार उनको सेवा करने से मना कर दिया। और खास बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उस सेवा करके चूल्हा में आग लगा के गए, अभी तक वो आग बुझा नहीं, दोबारा कभी माचिस आदि लगा के आग जलाना नहीं पड़ा। हर दिन कुकिंग होते हैं, भगवान रसोई उसमें बनते हैं, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये 1585 में जन्म हुआ, 85 ईयर्स थे, तो 1586 में उनका देहांत हुआ, तो इतने दिन से वो चले गए, लेकिन आज भी आग है इस मंदिर में, मंदिर में आग है, और जो राधा रमन महाप्रभु के द्वारा भेजा हुआ आसन, महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ कोपिन, उनके डोर आज के दिन दर्शन कराते हैं, शीशा में बहुत अच्छा तरह से सुंदर करके रखा है, वो अभी भी उनका दर्शन करवाते हैं। तो ये राधा रमन लाल है, इनके दीप वो लीलाए हैं। तो बड़े एक प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन की सप्त देवालय में से, और ओरिजिनल जो सप्त देवालय में कोई विग्रह यहाँ पे नहीं है, लेकिन राधा रमन जी है, और तीन जो है गौरी का नाथ है, इनका दर्शन मिलते हैं, खीर प्रसाद मिलते हैं। तो इसी प्रकार अभी उनके बहुत अलग अलग सेवा भी होते हैं, तो सुंदर दिव्य विग्रह है। आप लोग जब भी समय मिले तो आइए उसी विग्रह को आप लोगों को दर्शन करनी चाहिए। तो ये राधा रमन है, और उन उनके जो भाई थे गोपीनाथ के, उनके जो भाई वो थे दामोदर पुजारी। दामोदर पुजारी बाद में गिरस्त हो गए। जो भी गोस्वामी परिवार है, अभी साल में 2-3 दिन ऐसे को सेवा मिलते हैं, इतना परिवार हो गया उस दामोदर के परिवार से, अभी भी वो
उस सहारनपुर की उस वैष्णव, वो जो वैष्णव है उनके गोपाल भट्ट गोस्वामी के परंपरा से उन लोग ही सेवा ठाकुर जी के करते हैं। इसी प्रकार राधा रमन लाल जी की मंदिर, आप इनके प्रकटो तो इनकी गोपाल भट्ट के भाव प्रेम सेवा को स्वीकार किए और उनके परिवार से अभी भी सेवा होते हैं। अभी भी उनको बहुत रागों से, राग सुंदर करके राग आदि के साथ उनको भजन सुनाए जाते हैं और दिव्य स्थान में उनको सेवाएं होते हैं। इसी प्रकार राधा रमन की लीलाएं यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और आज जो है एक महान इसी से जुड़ा हुआ कथा है कि इन परंपरा की एक्चुअली जब गुरु के गद्दी में एक तो 4 महीना महाप्रभु को, महाप्रभु के चरण दबाए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बने, और एक गोस्वामी 2 महीना चरण दबा के और दूसरा गोस्वामी बने, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। भजन करी प्रभु करेन शयन, मिश्र पुत्र रघु करे पादो संवाहन। तो दोनों चरण दबाए और दोनों इस गौड़ीय संप्रदाय की विरक्ति मार्ग के दोनों आचार्य बने, दीक्षा गुरु बने। ये किंवदंती, ये भेद ही है कि पूर्व देश की जो भी लोग हैं उनको रघुनाथ भट्ट के द्वारा दीक्षित करने का नियम था, और पश्चिम देश में जो भी रहेगा उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी की द्वारा दीक्षित करना है। किंतु इसमें हम एक विपरीत ये भाव देखते हैं, श्रीनिवास आचार्य की दीक्षा वो पूर्व देश की है लेकिन रघुनाथ भट्ट से ना लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी से उनकी दीक्षा होती है। तो इसमें गोपाल भट्ट को, श्रीनिवास आचार्य, आप लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप लोग सुने हैं कि आचार्य जी, अद्वैत आचार्य जी एक बार मायावाद महाप्रभु के, महाप्रभु जब बहुत चरण छूते थे, महाप्रभु के अद्वैत आचार्य के चरण लेकर महाप्रभु अपने सिर में घिसते थे, बहुत नाराज हो गया कि ये प्रभु होकर मेरे से ऐसे व्यवहार करते हैं, तो नाराज होकर मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिया था, मायावाद के प्रचार करना शुरू कर दिए थे। तो इसी प्रकार क्या हुआ, दूसरा जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, इससे दोबारा मायावाद के प्रचार शुरू कर दिया। जब दोबारा मायावाद के प्रचार शुरू किया तब लोग जाके महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, बोले थे कि आचार्य तो सारा देश सर्वनाश करेगा, ये तो भक्ति का प्रचार ना करके मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु को, महाप्रभु जी इनके भाव को समझ गए और उन्होंने प्रेम प्रकट किया, क्योंकि आचार्य चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य चला जाएगा तो उसके साथ साथ में प्रेम भी चला जाएगा। इसलिए आचार्य के मन में यही इच्छा थी कि प्रेम और कुछ दिन रहा जाए, और प्रेम को रखने के लिए महाप्रभु कोई ना कोई व्यवस्था करे, तो मैं उनको जब प्रोदित नहीं करूंगा ऐसे नहीं करेगा, इसलिए उन्हें मायावाद के प्रचार कर दिया। वो समझ गए, प्रोदित होकर प्रेम प्रकट किया। आप लोग जानते हैं कि प्रेम विलास में कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का प्रेम प्रेम आवेश अवतार नरोत्तम दास ठाकुर है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम आवेश श्रीनिवास आचार्य है, आराधित आचार्य के श्यामानंद प्रभु। ये तीन प्रभु कोई साधारण नहीं है, महाप्रभु का प्रेम आवेश अवतार है। तब महाप्रभु प्रेम, अभी प्रेम तो प्रकट कर दिया, प्रेम रखेगा कहा, समुद्र सागर में रखा, पहले धरती में रखा। धरती में रखने से ऐसे हुआ, जगन्नाथ के सेवक बड़े कंप्लेन किया महाप्रभु से कि
हम हाथ लगाने जाते थे एक एक स्थान में, दूसरे जगह हाथ चले जाते, क्योंकि धरती प्रेम के कारण हिलती है, वो प्रेम के कारण वो शांत नहीं रह सकती है। इसके लिए जब शांत नहीं रह सकती है तो कुछ सेवा करना, चलना, एक जगह आप सब कदम रखोगे दूसरे जगह चला जाता है। सेवा पांडल विशेष करके महापुरुष कंप्लेन किया कि ऐसे है प्रभु जगन्नाथ पुरी हम चिरकाल रह रहा है, ऐसे कभी स्थिति नहीं हुआ, लेकिन आज हम हाथ लगाते जाते जगन्नाथ मुख में हाथ लगाते कान जाकर कान में जाकर हाथ लग जाता है, क्योंकि हाथ हिलता है जगन्नाथ जी, सब कुछ हिलता है। तो ऐसे जब कंप्लेन हुआ, लोगों का कंप्लेन हुआ कि चलते चलते ठीक से चल नहीं पाते, हिलते हिलने से कैसे चलेंगे, तभी महापुरुष धरती माता को बुला उससे प्रेम लिए, प्रेम लेकर समुद्र में सागर में रखा, सागर में जब रखा तो इतने लहर आने लगी, इतनी लहर आना लगे बिल्कुल डूबने वाले सब कुछ। तो फिर बड़े तंग हुआ, फिर कंप्लेन हुआ, फिर समुद्र से लेके आए और भक्तों से बोला इस प्रेम को मैं किसी को प्रेम प्रेम जन्म करना चाहता, प्रेम कहाँ रखो। तो बोले कि ये चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया दोनों आई थी, ये पुत्र का कामना कर रहे थे, तू ये बड़ा प्रेमी है, ये वो बहुत दिन तक जगन्नाथपुरी में थे। तो बोले कि ढूंढो, तो बोला नहीं ढूंढा, जगन्नाथपुरी में बहुत दिन तक थे, महाप्रभु के भी बहुत प्रेम करते थे, जगन्नाथ जी के उधर जाके रोते थे बच्चे के लिए, तो चले गए। अबे महाप्रभु को ठीक से पता नहीं था वो कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते उनको पता नहीं था, तब क्या करें। तभी धरती को फिर प्रेम लेके धरती को रखा, धरती को तुम थोड़ा शांत होकर रहो, मैं इस प्रेम को किसी को दे दूंगा, उपयुक्त पात्र जो होगा उसको मैं प्रेम दे दूंगा। तो ऐसे जब महाप्रभु कहा तो धरती शांत हुए, तो कौन कहां पे रहते हैं धरती माता को पता है। धरती माता को फिर बुलाए, धरती को बुला के बोलते हैं ये चैतन्य दास और लक्ष्मीप्रिया कहाँ पे रहती है इसको मुझे बताओ। तो धरती माता महाप्रभु को बताया कि ठीक है एक दो दिन समय दे दीजिए तो मैं बता दूंगी। तभी एक दो दिन बाद में उन्होंने ढूंढ के चाखंदी बंगाल, पश्चिम बंगाल में चाखंदी गांव में लक्ष्मीप्रिया और चैतन्य दास रहते थे। तो महाप्रभु जी इस चैतन्य दास को लेकर धरती माता को बोले कि इस प्रेम को लेकर चैतन्य दास का दे, चैतन्य दास को प्रेम विमोर हो गया, इस प्रेम को दे दिया, उनके हृदय से प्रेम प्रकट हुआ, लक्ष्मी प्रिया के हृदय में गए और जब ही गए तो वो उनके प्रकाश फैल गया और जो चैतन्य दास है सभी लोग उनको आदर करने लगे, हर जगह जाते तो आदर करते हैं, उनको सम्मान मिलते हैं, बड़े सब कुछ जो उनकी कमी थे सभी कुछ एक होने लगे, गांव गांव में कीर्तन होने लगा। तो जो दुर्गा पूजा में एक बड़े ही भजन ढाक बोलते हैं, तो ढाक बजाए वो हमेशा दुर्गा दुर्गा बोलते हैं, तो इधर आके वो ढाक बजाए तो उनके घर पे तो वो हरी हरी बोलने लगा। तो लोगों में इतना परिवर्तन है, वहां का जमींदार बड़े शक्ति का उपासक थे, ये लोग का मन अपने अब चेंज हो गया, सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़े वातावरण जो सभी कुछ खेती आदि सब बहुत कुछ सबके मन अच्छा हो गया। ऐसी सुलक्षण प्रकट हुआ, प्रकट होने से आज के तिथि में, आज की जो तिथि है इस तिथि में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम आवेश अवतार चाखंदी में लक्ष्मी प्रिया के पुत्र रूप में श्रीनिवास आचार्यों का प्रकट हुआ आज की तिथि में।
वैशाख पूर्णिमा है और उनका गमन है गोप अष्टमी के दिन। गोपाष्टमी के दिन उनका इस धराधाम से अपने नित्य लीला में प्रवेश हुआ। तो जब ही जन्म लिए बहुत बहुत आनंद उत्साह होने लगा, सभी लोग कीर्तन आदि करने लगे। तो इसके बाद उन्होंने स्कूल में उनको भेजे संस्कार आदि करके, बाद में स्कूल में भेजे उपनयन संस्कार करके। स्कूल से तो कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ आके घर पे कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करते तू। लेकिन वो एक बार जो सुन लेते हैं बस, और दोबारा उसको दोहराने का कोई जरूरत नहीं है, दोहराने का कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा याद कर लेते हैं। कोई भी पढ़ते कभी नहीं है, जो टीचर पढ़ा देगा इसी प्रकार वो बड़े पारंगत हो गए, बहुत पढ़ाई लिखे। लेकिन दुर्दैवश क्या हुआ, थोड़ी ही समय में उनका पिताजी का देहांत हो गया, छोटे बच्चे थे तभी से उनका देहांत हो गया। उनके पिताजी की माता बहुत बहुत रोई, वो छोटे से बच्चे है श्रीनिवास आचार्य भी बहुत रोए उनके पिताजी जो है चैतन्य दास के देहांत हो गया। तीसरे प्रकार उन्हें पढ़ाई किए, फिर नरहरी सरकार जो गौर पार्षद है उनसे मिले, मिलने के बाद उन्होंने बहुत आदर किया और उनसे दीक्षा भी प्राप्त के लिए प्रार्थना की। बोले नहीं, आपके जो दीक्षा गुरु वो गोपाल भट्ट गोस्वामी होंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी आपको दीक्षा गुरु होंगे और प्रभु की आज्ञा। महाप्रभु जी अप्रकट होकर गदाधर पंडित को कह के गए कि श्रीनिवास आएगा मुझे मिलने के लिए, लेकिन मेरे आदर्शों जब उन्होंने सुनेंगे बहुत दुखी हो जाएगा, तो आप उनको भागवत पढ़ाना। लेकिन ऐसे करके जब उन्होंने थोड़ा बड़े हुए, माता जी से आज्ञा लेकर पागल जैसे हो गए थे महाप्रभु के विरह भाव में, तब जगन्नाथपुरी की ओर चले। जाते जाते उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य नित्य अपने धाम में चले गए। तब बड़े दुखी हुआ, फिर भी गदाधर पंडित को आज्ञा था। गदाधर पंडित अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते हैं, महापुरुष की आज्ञा है। इसी प्रकार कैसे न कैसे दुखी होकर श्रीनिवास आचार्य आए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आए और टूटा गोपीनाथ में जब गया, गदाधर पंडित की यही हाल हो गया। बहुत बिना प्रभु की आज्ञा है जा भी नहीं सकते, क्या करे। तब वो जैसे तो इसी प्रकार जो है गदाधर ऐसे मिट्टी के जैसे उनके कमर ऐसे, मतलब जो इतने तेज थे उनके शरीर में जैसे आग है, आग है, आग में आग जो जलाते हैं बाद में राख होते हैं उसके अंदर तेज, ऐसी गदाधर पंडित की शरीर हो गया जैसे काले हो गए, लेकिन उनके दिव्य तेज उनके अंदर है, तो उनको होश में नहीं रहते हैं।
हर दिन भागवत लेके महाप्रभु जैसे सुनाते थे ऐसे बैठते हैं, और आंखों के जल से वो हाथ से लिखा हुआ था उनका अक्षर भी मिट गया। तो एक दिन पहले दिन तो उनसे बात भी नहीं हुआ, होश में ही आए नहीं। दूसरा दिन जब उनको थोड़ा उन्हें होश आए तो आके दंडवत प्रणाम करके बोलता मैं श्रीनिवास हूँ। तब उन्होंने गोद में बैठा लिया, आपने आंखों के जल से उनको भिगा दिया। भिगाए बोलते हैं प्रभु प्रभु बोले थे इसलिए मैं जी रहा हूँ कि प्रभु बोले थे श्रीनिवास आएगा दुखी होकर तो भागवत पढ़ना। लेकिन क्या बेटा तुझे कैसे भागवत पढ़ाओ, प्रभु के विरह से तो ये भागवत मिट गया। इस प्रभु होता तो अक्षर को पूर्ण कर सकता था, मैं कैसे करूं, दूसरी भागवत होगा तो मैं आपको पढ़ा सकता, इस भागवत से तो नहीं होगा। मैं केवल ये पन्ना को बदलता हूँ, महाप्रभु जैसे पढ़ाता था पन्ना को बदलता हूँ और आंखों के जल से वो तो भीग जाते हैं, उसका अक्षर मिट जाते हैं, कैसे पढ़ाऊ, दूसरा भागवत होगा। तो दुख की क्या कोई सीमा है। इसी प्रकार उन्होंने कि कोई बंगाली लिपि में था तो उन्होंने फिर बंगाल आए श्रीनिवास फिर भागवत ले जाने के लिए पढ़ने के लिए। हम लोग देखो भागवत महाविद्यालय चांस मिलते हुए हम नहीं पढ़ते हैं, कितने कितने कठिनाई से वो पढ़ने चाहते थे। फिर छोटे बच्चे हैं 10-11-12 साल की बच्चा है, फिर आए बंगाल में भागवत लेने के लिए। तो भागवत लेने के लिए आए, आकर भागवत लेकर जब उन्होंने चुंडी खोल तक पहुंचा तब खबर मिला कि गदाधर पंडित भी चले गए। तो क्या दुख है, कितना कष्ट है, तो वो भागवत नहीं पढ़ा पाए, चले गए तो दुखी हो गए। इसी प्रकार श्रीनिवास आचार्य फिर आ गए, आकर उन्होंने फिर वृंदावन की आखिरी में वृंदावन की यात्रा किए और उन्होंने वो भगवत आचार्य है इसलिए उनका नाम श्रीनिवास आचार्य है, भागवत में पारंगत थे। तो जीव गोस्वामी के आश्रम में आए, जीव गोस्वामी के साथ तीन महापुरुष, ये तीनों महापुरुष श्रीनिवास आचार्य, थोड़ी दिन बाद नरोत्तम दास ठाकुर और कुछ दिन बाद श्यामानंद प्रभु, इस तीन प्रभु का अध्ययन करते थे। देखिए पहले लोग कितना निष्काम होते थे, नहीं मेरा डिसाइडर बनाए, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, प्रभावित होगा, ये दिन को मैं अपना शिष्य बना लूंगा तो बस मैं तो बंगाल उड़ीसा का पूरा आचार्य बन जाऊंगा। नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य है, श्यामानंद प्रभु पहले दीक्षा लेके आए थे हृदय चैतन्य से, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से। इसलिए जैसे जैसे केशव भारती को महाप्रभु मंत्र दिया उससे फिर मंत्र लिया, इसी प्रकार महाप्रभु का आवेश प्रेम आवेश अवतार श्रीनिवास, इसलिए आसन आसन आदि को भेज कर गोपाल भट्ट गोस्वामी को आचार्य पद में अधिष्ठित करके फिर उस आसन में बैठ के स्वयं महाप्रभु ही गोपाल भट्ट से उनके आवेश अवतार प्रेम आवेश अवतार गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिए। इसलिए आसन यही परंपरा को आगे जाके चलाए गोपाल भट्ट गोस्वामी, यही महापुरुष आसन भेजने का उनका उद्देश्य था कि आचार्य पथ में अधिष्ठित करना इसी प्रकार उन्होंने दीक्षा लेकिन उनको सेवा किए और शास्त्र अध्ययन जीव गोस्वामी से किए। तीनों का इच्छा था कि चीर जीवन वृंदावन रहकर वृंदावन के धाम के सेवन करेंगे, लेकिन प्रभु की आज्ञा हुआ जीव गोस्वामी की उनका पार्पज
उनका पारस्त प्रेम प्रचार प्रकाश करना, प्रेम भक्ति का प्रचार करना, ये तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चले जाने का इनके प्रतिनिधि है, ये कैसे वृंदावन में रहेंगे। तो जीव गोस्वामी जो भी गोस्वामी ग्रंथ थे संस्कृत में तो थे, लेकिन सभी बंगाली लिपि में थे। इसी सभी गाड़ी भरकर बैल गाड़ी में बक्सा में पेटी में पूरा ये करके बैल उनको सिक्योरिटी देकर तीनों को भेज दिए जीव गोस्वामी। और लोकनाथ गोस्वामी बड़े वृद्ध हो गए थे, सेवा की कोई नहीं था, फिर उनको भेजा। इसी प्रकार आज हम गए, फिर वीर हमीरपुर में वो ग्रंथ चोरी हो गया था, ये सब बहुत लंबी कथा श्रीनिवास आचार्य की है। इनकी अपीयरेंस है, राधा रमन की अपीयरेंस है, इनके साथ श्रीनिवास आचार्य का एक रिलेशन है, इसलिए हम यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न आदि है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण, श्रीमान गोपेंद्र प्रभु की जय। बहुत ही सुंदर, इतना डिटेल में विस्तृत व्याख्या गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के बारे में बहुत सुंदर सुनने को मिला, इसलिए हम बार बार चाहते हैं कि गोपेंद्र प्रभु या तो दूरदर्शन के माध्यम से, नहीं तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आके। जब ये सब श्रीनिवास आचार्य के बारे में हम बहुत सारे यूट्यूब बनाए हैं, एक तो डाला और भी डालेंगे, पहले से बना हुआ, सिर्फ लंबा 7-8 दिन का, आधा घंटा का था, 8-10 दिन का है श्रीनिवास आचार्य का। तो प्रभु जब ये सब शांत हो जाएगा ये स्थिति, तो आप यहाँ आके भी हमें हमारे सामने कथा कीजिए, आपके लिए हम पुष्पक विमान भेज देंगे। आचार्य का कथा में ना बल मिलता है भजन में, क्योंकि ये तो नजदीक में है ना आचार्य, बहुत बहुत हमें बल मिलता है इनकी कथा से। जी जी बिल्कुल सही है प्रभु। एक शंका है, मतलब जिज्ञासा है। हाँ, हाँ। ये जो आज हम देखते हैं राधा रमन मंदिर में जो गोस्वामी है, प्रेजेंट गोस्वामी, हाँ। बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं और विद्वान हैं सब, तो ये हाँ। ये सब क्या वही जो आप कह रहे थे पुजारी, दामोदर पुजारी के वंशज हैं क्या? हाँ हाँ, वो जो आए तो उनके वंशज है, दामोदर पुजारी के वंशज है। तो अभी उनका परिवार बढ़ गया है। हाँ, परिवार बढ़ गया। जो गोपीनाथ थे वो विरक्ति थे उनका भाई, और वो दामोदर जो है ये गृहस्थ बने, और इनकी परिवार पहले जानते ना पांच पांच बच्चे होते थे, पांच से फिर 15-20 बन गया, तीसरी घर सभी गोस्वामी हो गए। पद्मनाभ गोस्वामी है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध लीडर नेता है, विदेश में भी जाते हैं। और ये अब्दुल कृष्ण गोस्वामी तो बहुत बड़ा पारंगत है शास्त्रों में, उनके बेटा भूति के 3 पुत्र उनके हैं, भूति विभूति और कैसे 3 पुत्र हैं उनके, ऐसे फैल गए। वो जो हम जाते हैं ना मंदिर में, वो जो हम देखते घेरा के अंदर जितना परिवार है सभी उन एक ही परिवार से फैला हुआ है, सब एक ही परिवार है। हाँ, वो जो गेट के अंदर जाके दूर से और बाहर भी, जैसे पुंडरिक ये लोग तो बाहर रहते हैं, अभी छोटा छोटा बढ़ गया, तो ऐसे और बाहर भी है, उसके अंदर भी जितने परिवार देखते हैं सब उनके ही परिवार। तो ये जो आपने कहा महाप्रभु का जो उपहार थे गोपाल भट्ट गोस्वामी को, आज के दिन वो दिखाते हैं? हाँ, आज को दिखाते हैं, वो कांच से पूरा ये करके, कांच से पूरा ये करके लेमिनेशन ये करके रखा है ओपन डोर। इतने वर्षों के बाद भी वो सही सलामत है, सुरक्षित है, ऐसे थोड़ा कैसे थोड़ा है लेकिन सही सलामत, और कलर कैसे ऐसे फिका हो गया। और वो हम लोग वो भी दर्शन किया, अखंड ज्योति जो बोलते हैं ना, वो गोपाल भट्ट उसमें आग जलाए वो किचन के अंदर है। एक बार हम लोग को निमंत्रण किया था, हम देखा था उधर अंदर किचन के अंदर वो अभी भी आग है जो गोपाल भट्ट उसमें जलाया, वो अभी आज के दिन आप कभी दर्शन कर सकते हैं, जानकारी है। ये जो कथा आपने बताया प्रभु कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के और एक शिष्य थे हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट कराया, तो उनके जीवन में ऐसे आचरण थोड़ा सा शंका होता है।
नहीं, आगे कुछ कथा में बताया नहीं, वो थोड़ा क्योंकि नेट फेट में चढ़ते हैं ना, प्रेम विलास में बताया वो थोड़ा अच्छा नहीं है।